हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम फूड इज़ गुड। तो आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल बाजार जैसा सांभर। तो मैंने उसके लिए ले ली है 5-6 टमाटर और उनको मिक्सी में डाल दिया है और उतनी देर में मैंने अरहर की दाल को डाल लिया है एक कटोरे में और उसको पानी से अच्छे से 2-3 बार धो के एक कटोरे में साफ पानी डाल के ढक के रख दिया है। और फिर एक कुकर ले लिया और कुकर में डाला सरसों का तेल थोड़ा सा और फिर डाला हींग का छोंक लगाया और फिर जो टमाटर की प्यूरी मैंने करी थी वो मैंने डाल के सिम गैस पे इसको रख दिया भुनने के लिए। और 5-6 मिनट बाद मेरा मसाला भुन गया और फिर मैंने डाले थोड़ी सी देगी मिर्च और अराउंड 2 चम्मच मैंने यहाँ पे सांभर मसाला डाला और बाकी सारे एसेंशियल मसाले हल्दी नमक मिर्च थोड़ी सी मिर्च डाली मैंने, ज़्यादा नहीं डाली, गरम मसाला और सूखा धनिया। और उसके बाद भुनने के बाद मैंने डाल दी अपनी अरहर की दाल और साथ में पानी। पानी मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने बाद में और ऐड किया था। और फिर मैंने इसको दिलाई कम से कम 6 सीटी और ये ऑलमोस्ट हो गया रेडी। बिल्कुल हमने दाल को अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेना है और फिर मैंने तड़के दानी ली, उसमें से सरसों का तेल डाल के डाली देगी मिर्च और राई और इसको अच्छे से पॉपअप होने दिया, इसका छोंक लगा दिया अच्छे से, मैंने इसको मिक्स करके डाल दिया अपनी दाल में जो दाल हमने ऑलरेडी बना के रखी थी। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया इसके बाद। और फिर डाली मैंने 1 चम्मच देसी खांड, चाहे आप नॉर्मल चीनी भी यूज़ कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल बाजार जैसा, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी शक्ल आई हो और बिल्कुल बाजार जैसा बना है और बहुत ही हेल्दी भी बना है। और साथ ही में हम बनाने वाले हैं डोसा। मैंने तैयारी कर ली थी डोसे की, यहाँ पे तवा कर लिया मैंने डोसे वाला गरम, फिर डाला तवे पे एक छिड़काव डाल के पानी का और फिर उसे साफ कपड़े से मैंने उसको पोंछ लिया और फिर एक ब्रश की या चम्मच की हेल्प से हम लगा देंगे ऑयल, ग्रीस कर देंगे ऑयल से तवे को और फिर उसको पोंछ लेंगे कपड़े से। और फिर एक करछी लेंगे और सिम गैस पे हम इसको फटाफट एक सर्कल में फैला लेंगे अच्छे से, हमने रुकना नहीं है बिल्कुल भी, वरना बीच में अगर हम रुकेंगे तो वहाँ पे वही लंप आ जाएगा डोसे में। तो अब ये इसको हमने कर दिया तेज़ गैस पे और ऐसे ब्रश की हेल्प से हमने यहाँ पे छिड़काव कर दिया ऑयल का और आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी डोसा ये बन के तैयार हो गया, बिल्कुल आराम से उतर गया नीचे से तवे से। अब इसको हम रोल करके हम डाल लेंगे अपनी प्लेट में और देख सकते हैं आप कितना क्रिस्पी डोसा बना है, बहुत ही टेस्टी। मेरे बच्चों ने तो बहुत ही शौक से खाया था, अब इसको प्लेट के साथ हम खाएँगे अपना सांभर और डोसा, इन्जॉय करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस द मैक्सिमम।